हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों मैं फिर आ चुका हूँ बरेली में आप लोगों के लिए शहीद चौक कैंट एरिया में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा शहीद चौक है, और ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों मेरे पीछे तो कुछ ऐसा नज़ारा है। और राहुल भाई हमारे साथ में है, ये हैं राहुल भाई जो कि बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं पूरे कैंट एरिया की और आर्मी के बारे में। दोस्तों जानकारी देंगे राहुल भाई आपको इसके बारे में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो दिखाता हूँ बैक कैमरे से पहले इसका नज़ारा। देखिए दोस्तों कैंट एरिया में शहीद चौक कुछ ऐसा दिखता है, और आप सामने देख सकते हैं ये जो तोपें हैं ये पाकिस्तान से कब्जाई हुई तोपें हैं, ये जीती हुई तोपें हैं। और आगे आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा नज़ारा है, ये जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे हमारे जवान ही उनकी प्रतिमाएँ बनाई गई हैं, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और ये कैंट एरिया में स्थित है दोस्तों, आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कारगिल चौक। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है जो योगदान दिया था हमारे जवानों ने, तो उसकी भव्य प्रतिमाएं बनाई गई हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसा चौराहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चौराहा है दोस्तों बरेली में। और यहाँ पर सिग्नल भी है, देखिए गाड़ियाँ रुकी हुई हैं ये देखिए दोस्तों। और यहीं पर आपको जो है आपको टॉकीज भी मिल जाएगा जो कि आगे ही है, एक पिक्चर हॉल है वो आपको मिल जाएगा। तो अब राहुल भाई थोड़ा सा जानकारी देंगे आपको इसके बारे में। तो राहुल भाई बताइए कुछ कि क्या कैसा क्या है इसके बारे में। ये जो शहीद चौक है ये 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जो सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था उसके ऊपर उनकी सम्मान में ये सब किया गया है। जो इस 17 जाट रेजिमेंट सेंटर के जो कैप्टन थे कैप्टन अनुज नायर, उन्होंने मॉस्को वैली पर जो कब्जा किया था तो वो अपने 35 सिपाहियों के साथ में मिलकर उन्होंने इस वैली पर कब्जा किया था, जिसमें वो भी वीरगति को प्राप्त हुए और उनके साथ साथ 35 सैनिक जो थे वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग राहुल भाई ने कितनी अच्छी जानकारी दी इस शहीद चौक के बारे में, और कितनी अच्छी प्रतिमाएं हैं। और ये बरेली में कैंट चौक कैंट में है, और यहाँ पर आने के लिए आप सीधा आ सकते हैं जो नटराज टाकेज है बरेली में। अगर आप कहीं पर भी बोल लेंगे किसी भी ऑटो वाले से नटराज टाकेज तो वो आपको ले आएगा। तो आई होप दोस्तों आपकी छोटी सी वीडियो है और अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लव यू ऑल दोस्तों।